हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू के साई आई एम मानसी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट टू का पेपर डिस्कस करेंगे ये आज 30 मार्च 2022 की डेट में हुआ है इसका सेट नंबर है एन सेवन फोर फोर इसमें टोटल 11 पेजेस हैं टू आवर्स का टाइम था पेपर को सॉल्व करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स 40 थे हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं था तो चलिए आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का बोन्स कंटेन ओशीन विच इज मेडअप ऑफ 95 फाइव परसेंट कोलाजन तो सी इज द करेक्ट आंसर जाइंट स्क्वायरल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडिटर्मिनेंट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेटन स्पीसेज जो कि मतलब दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जो कि खत्म होने के कगार पर हैं और जो जाइंट स्क्वायरल है उसको मला बार जाइंट भी बोला जाता है नेक्स्ट है ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू विच क्लास था यहाँ पर तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है मैमेलिया ये आपके चैप्टर सिक्स पेज नंबर सेवेंटी थ्री पर डिटेल में इन सब के बारे में दिया हुआ है और मैमेलिया की कैटेगरी में वो क्यों आते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स में बैकबोन होती है मिल्क ग्लैंड्स होती है और हेयरी बॉडी होती है एम्फीबिया जो है जो फ्रॉग्स एंड टॉड वगैरह है वो एम्फीबिया की कैटेगरी में आते हैं रैप्टीलिया जो है वॉल डिजर्ट जो छिपकली वगैरह है घर में होती है वो और साइक्लोस्टोमेटा में आपको पेट्रोमाइजोन आते हैं और इन सब के बारे में डिटेल में आपको पेज नंबर सेवेंटी थ्री चैप्टर सिक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट है ऑर्गन्स लाइक कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ तो आफ्टर डेथ जो है इस वर्ड को पोस्थुमस भी बोला जाता है तो आफ्टर डेथ के बाद आप तीन ही ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हो पहला है लीवर दूसरा है आइज और तीसरा है हार्ट तो लीवर और आइज का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं दिया गया है सिर्फ हार्ट का दिया गया है तो आपका करेक्ट आंसर है हार्ट ये आपको पेज नंबर नाइनटी चैप्टर एट में आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा इसके बारे में अब नेक्स्ट आते हैं वॉलकैनो इज ए जियोलॉजिकल डिजेस्टर सोशल पॉलिटिकल बायोलॉजिकल नहीं है ये एक जियोलॉजिकल डिजेस्टर है नेक्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग ये बी सब क्वेश्चन है फाइंड दी वन आउट जो इनमें अलग है वो बताना है तो देखिए अर्थक्वेक फ्लडिंग और सुनामी अर्थक्वेक जो भूकंप वगैरह आते हैं फ्लडिंग जो बाढ़ आती है सुनामी में भी पानी से बहुत ज्यादा वो तूफान आता है समुद्र में ये तीनों जो हैं देखो नेचुरल डिजेस्टर्स हैं और वॉर जो है वो एक मैन मेड डिजेस्टर है तो आपका ओल्ड वन आउट क्या है वार क्योंकि वॉर जो है वो मैनमेड डिजास्टर है और अर्थक्वेक फ्लड सुनामी जो है ये तीनों नेचुरल डिजास्टर है स्टेट ट्रू और फॉल्स ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरीड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये फॉल्स है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स दिया गया है प्रोटीन्स की वजह से ये फॉल्स है अगर ग्लूकोज दिया होता तो ये आपका ट्रू होता और ये पेज नंबर 14 और 15 पे आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है कल कई बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा उसी की वजह से कि ये ट्रू है नहीं ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन दिया गया है और ये देखिए आपकी बुक में ये चार्ट देख के आपको लग रहा होगा प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं और यहाँ पर पेज नंबर फोर्टीन पर भी आप देखेंगे ए मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ओ टू एंड एच टू आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद एनर्जी तो ये क्लियर कट ग्लूकोज के बारे में बात हो रही है और नेक्स्ट आप देखो प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में होते हैं फैसि और उसके बाद वो जो है कन्वर्ट होते हैं किसमें एसिटिल सी ओ ए में और फिर एनर्जी होती है तो यहां पर बात किसकी हो रही है ग्लूकोज की लेकिन यहां पर हमारे क्वेश्चन पेपर में बात किसकी हो रही है प्रोटीन की तो ये आपका जो है ये फॉल्स है कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा तो ये हमारा फॉल्स है चैप्टर और 15 में आप बुक के देख सकते हैं नेक्स्ट है कंप्लीट द को रिलेशन वेस्टर्न घाट में एशियाटिक लॉयन आता है अगर सिर्फ लॉयन होता तो एशियाटिक नहीं होता तो सिर्फ लॉयन होता तो आपको भी आगे सिर्फ टाइगर लिखना होता सुंदरबन सेंचुरी में टाइगर्स होते हैं लेकिन एशियाटिक लिखा है इसलिए आपको बंगाल लिखना है बट अगर ओनली टाइगर भी लिखा है बंगाल नहीं लिखा है टाइगर लिखा है तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट तो थर्मल पावर प्लांट में हीट जनरेट करने के लिए कोल का यूज किया जाता है नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट ये सोशल चैप्टर सोशल हेल्थ वाला जो चैप्टर है चैप्टर नाइन उसके पेज हंड्रेड पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स पर नाइन पॉइंट टेन नंबर ये इमेज है दिस इज लाफ्टर क्लब लाफ्टर क्लब अगर सिर्फ लाफ्टर लिखा है तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स सो डोंट वरी इफ यू हैव रिटन ओनली द वर्ड लाफ्टर बट लाफ्टर क्लब इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन टू ए गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू ये चार मार्क्स का क्वेश्चन है और साइंटिफिक रीजन एनी टू करने हैं आपको यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको टू मार्क्स दिए जाएंगे सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर एट सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले में से लिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन है कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोड़ा ये पेज नंबर सिक्सटी नाइन पर दिया गया है वहाँ पर कॉकरोच की आर्थ्रोपोडा से कॉकरोच की फोटो दी हुई है और वहाँ पर सारा डिटेल्स में इसका लिखा हुआ है वहाँ से आप इसके रीजंस देख सकते हो नेक्स्ट है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज ईको फ्रेंडली हाँ ये पावर जनरेशन प्लांट जो है नेचुरल गैस पे ये इको फ्रेंडली होता है बिकॉज डज नॉट कंटेन सल्फर जब ये बर्न करती है गैस तो इसमें सल्फर नहीं होता और इसकी वजह से क्या होता है ये लेस पॉल्यूशन होता है ये आपको पेज नंबर फिफ्टी टू पे मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक के ये देखिए नेचुरल गैस डस नॉट कंटेन सल्फर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पॉल्यूशन ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर फिफ्टी टू नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम तो ये आपका एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो पहला वाला चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन उस पर से लिया गया है एंड पेज नंबर फोर एंड फाइव पे आपको ये पूरा मिल जाएगा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बॉन कनेक्टिंग ऑग वेस्टिजल ऑर्गन्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस एम्ब्रायोलॉजिकल ये टोटल उसमें दिया हुआ है तो आप वहाँ से अपना चार्ट फिल कर सकते हैं वैसे मैंने फिल भी किया है नेक्स्ट देखिए वट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पायंग तो जादव मोलाइन पयांग जो है ये कौन है इनको फोरे, ये फेमस है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी किस नाम से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से अब इनसे हमें इन्होंने क्या किया है जादव ने ही हैज प्लांटेड एंड टेंडेड ट्रीज ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र टर्निंग इट इंटू ए फॉरेस्ट ही हैज प्लांटेड एंड टेंडेड ट्रीज ऑन ए सैंड बैक द रिवर ब्रह्मपुत्र टर्निंग इट इंटू ए फॉरेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्रा नदी के सैंड के ऊपर इन्होंने बहुत सारे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और उसे एक फॉरेस्ट जैसा जंगल जैसा बना दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हम क्या सीखते हैं वट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जाधव मोलाई पायंग वी लर्न दैट वी ऑल नीड टू मेक अर्थ ए बेटर प्लेस हमें पृथ्वी को सबको एक अच्छा स्थान बनाना है टू लिव फॉर अस एज वेल एज फॉर द कमिंग जनरेशन हमारे लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी जैसे कि ये ट्रीज लगाएं तो ट्रीज की वजह से ऑक्सीजन हमें भी मिल रही है और आने वाली जनरेशन्स को भी मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर सेवन डिस्टिंग बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पॉइंट्स लिखने हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका पेज नंबर ट्वेंटी फाइव चैप्टर थ्री में दिया गया है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पेज नंबर ट्वेंटी टू चैप्टर थ्री दोनों चैप्टर थ्री में है एक पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे और एक पेज नंबर ट्वेंटी टू पे है टू पॉइंट्स लिखने हैं वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो नेक्स्ट डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड गिव एनी टू एग्जांपल्स तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी होती है इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 92 चैप्टर 8 में मिल जाएगी और मॉडिफाइड क्रॉप्स के टू एग्जांपल्स देने हैं वहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जिसमें से कॉर्न है कॉटन है पोटैटो है पपाया है सोयाबीन है फाइव नेम्स मैंने आपको यहाँ पर बताया आपको दो ही लिखने हैं एग्जाम की कॉपी में दो ही लिखने थे एग्जाम्पल के तौर पे और डेफिनेशन जो है वो आप पेज नंबर 92 चैप्टर 8 पे देख सकते हो नेक्स्ट है व्हाट आर वाइटामिन टू टाइप्स ऑफ वाइटामिन तो देखो इसका exam, इसका जो आंसर है वो कई तरीके से लिखा होगा और जैसे भी लिखा होगा फुल मार्क्स मिलने वाले हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसमें टू क्वेश्चन है पहला है वॉट आर वाइटामिन वाइटामिन क्या है वाइटामिन आर सबस्टांसिस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली दैट अवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कैसे हमारी बॉडी के बढ़ने के लिए ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी अच्छे से काम करे फंक्शनिंग करे उसके लिए अब इसमें पूछा इसने टू टाइप्स ऑफ विटामिन तो अगर किसी ने खाली विटामिन ए बी सी डी ऐसे करके नाम लिखा है तो उसको भी मार्क्स मिलने वाले अगर किसी ने विटामिन के नाम के साथ साथ लिखा है विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन है और ये किस किस में पाया जाता है योगट और चीज में पाया जाता है तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं विटामिन बी सेवन बायोटिन ये वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाता है वेजिटेबल्स में तो मोस्टली सभी विटामिन होते हैं फिर विटामिन ए है रेटिनोल ये चीज़ एंड एक्स में तो अगर इस फॉर्मेट में आपने लिखा है डिटेल में तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपने ब्रीफ में लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं और अगर सिर्फ ये लिखा है कि विटामिन ए है और ये किस किस में पाया जाता है तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं नो कन्फ्यूजन एट ऑल उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर दी फॉलोइंग एनी फाइव ये फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पांच क्वेश्चन कोई से भी करने हैं हर क्वेश्चन के लिए थ्री मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स तो ये जो है एक सिंबल रिसाइकिल के लिए भी कई जगह आपने देखा होगा तो इसके लिए अगर आपने ट्रैश बीन लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे डस्टबिन लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे अगर थ्रो इट इन द बीन लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे नॉट टू लिटर लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे प्लीज डोंट लिटर लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे यानी कि एनी वन इफ यू हैव रिटेन इन सम में से तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं नेक्स्ट है सिंबल साइकिल का सेव फ्यूल अगर लिखा है तो भी मिलेंगे सेव फ्यू एंड इको सेव फ्यूल एंड इको फ्रेंडली ये इसके लिए यूज़ किया जाता है अगर आपने ये लिखा है सेव फ्यूल एंड इको फ्रेंडली तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं उसके बाद व्हीकल्स की कैटेगरी में अगर आपने ऐसे लिखा है यूज साइकिल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं और अगर आपने लिखा है कि सिंपली इतना लिखा है कि यूज़ व्हीकल साइकिल तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं नेक्स्ट है वाटर अगर आपने सेव वाटर लिखा है तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं अगर सेव एवरी ड्रॉप लिखा है तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं दोनों पे सेव वाटर इज ऑल्सो ओके सेव एवरी ड्रॉप दोनों बोथ आर ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिला तो ये चैप्टर सिक्स पेज नंबर सेवनटी थ्री पर आया है और इसी इसी पेज पे से एक पहला वाला जो आपका एम सी क्यू एम सी क्यू वाला क्वेश्चन है देखिए ये भी आपका ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू मेमेलिया वाला ये भी आपका चैप्टर सिक्स पेज नंबर सेवेंटी थ्री पे से ही आया है ये आपका एम सी क्यू है और ये आपका डिटेल्ड क्वेश्चन है ये वाला राइट एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिला तो वहाँ पर बहुत सारी दी हुई है आप उसमें से लिख सकते हैं चैप्टर सिक्स पेज नंबर सेवेंटी थ्री नेक्स्ट स्टेप विच सबस्तानूज टू प्रोड्यूस चीज तो काउ मिल्क काउ मिल्क बुक में लिखा है अदरवाइज मिल्क जो है वो चीज़ जो है वो काउ मिल्क बफेलो मिल्क गोट मिल्क किसी से भी बनाया जा सकता है लेकिन बुक में आपकी काउ मिल्क दिया हुआ है दैट्स वाई आई हैव रिट हियर काउ मिल्क बट अगर आपने काउ मिल्क बफेलो मिल्क और गोट मिल्क एनी वन कोई भी लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे सिर्फ मिल्क लिखा है तो भी मार्क्स मिलेंगे विच एंजाइम वॉज यूज अर्लियर फॉर चीज़ प्रोडक्शन तो पहले पुराने ज़माने में चीज़ बनाने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता था एंजाइम तो रे रीनेट एंजाइम यूज़ किया जाता था जो कि एनिमल्स से गेन किया जाता था एनिमल से पाया जाता था एनिमल से लिया जाता था नेक्स्ट है विच एंजाइम इज यूज टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़ तो वेजिटेरियन चीज़ के लिए प्रोटीज एंजाइम है जो कि फंजी से फंजी बैक्टीरिया से लेते हैं नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम ये नीचे एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के ऊपर ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं आपका दिस वन दिस वन एंड दिस वन ये कह रहा है कि विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम तो इसमें आपका स्टेम सेल थेरेपी दिखाई गई है नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूसर है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट है बिच ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस इस प्रोसेस से कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं तो आंसर है किडनी और लिवर तो मैंने तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया है डिटेल में आपको इसको पेज नंबर नाइनटी चैप्टर एट में ये आपको मिल जाएगा ये देखिए टू थाउजेंड में ये आपका आया है स्टेम सेल थेरेपी ये देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है इसके बारे में डिटेल में और ये है पेज नंबर नाइनटी आपकी बुक का पेज नंबर नाइन्टी तो आप यहां पर मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए फिर भी आपको डिटेल में स्टडी करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं पूरा नेक्स्ट आपका देखते हैं चैप्टर एट पेज नंबर नाइन्टी नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीनड बाय डिजेस्टर तो ये आपके लास्ट चैप्टर चैप्टर टेन में से लिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट में से जो आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर टेन डिजेस्टर मैनेजमेंट तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज डिजेस्टर तो डेंजरस इवेंट्स अकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरनमेंट दीज आर कॉल्ड डिजेस्टर्स ये देखिए पहला पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज डिजेस्टर और इसी लाइन में है वेरियसली डेंजरस इवेंट्स अकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट दोज आर कॉल्ड एज डिजेस्टर्स अब उसने आगे क्वेश्चन में पूछा है कि नेचुरल डिजेस्टर्स बताओ देखिए क्वेश्चन देखिए राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच नेचुरल एंड मैन मेड डिजेस्टर्स तो ये आपका चैप्टर टेन चैप्टर टेन और पेज नंबर वन जीरो नाइन पर है ये पेज नंबर वन जीरो नाइन देखिए आगे देखिए आंसर देखिए ये रहा नेचुरल डिजास्टर्स आर फ्लड्स वेट एंड ड्राई फेमाइन साइक्लोन्स अर्थक्वेक्स वॉलकैनोज एट्सट्रा और इसी में आपको मैन मेड डिजेस्टर्स भी है ट्रबल्स टू दी मैन काइंड और ऑल ऑफ ए सडन ट्रबल्स टू दी मैन काइंड जो मतलब मानवता को अचानक से जैसे कि वॉर है टेररिज्म है ये सब क्या है ये सडन सडन ट्रबल है इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं नेचुरल के ये लिखे हुए हैं जो आपको दिखा भी दिया मैन मेड के हैं वायर है वॉर है फायर है बॉम्ब ब्लास्ट है टेररिज्म है एटोमिक टेस्ट है, है ये सब जो है मैन मेड डिजेस्टर्स हैं नेक्स्ट देखते हैं राइट द ऑब्जेक्शन रेज अगेंड अगेंस्ट डारबिंस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो ये आपका पेज नंबर सेवन पेज नंबर सेवन चैप्टर वन में ही दिया गया है ये देखिए डारबिंस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेज नंबर सेवन है पेज नंबर सेवन है ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है आपका आप यहाँ से लिख सकते हैं नेक्स्ट है आपका बायोमास तो ये इमेज जो है आपकी इसको बुक में देख लेते हैं ये पेज नंबर एट्टी टू पर है टेक्स्ट बुक के ये देखिए पेज नंबर एट्टी टू आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर एट्टी टू पर दी गई है तो ये डिटेल में आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं और आंसर्स मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ पेज नंबर एट्टी टू पर है ये विच प्रोसेस इज शोन इन दी अबव पिक्चर तो ये बायोफूल बायोफ्यूल प्रोडक्शन की पिक्चर है नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर लिक्विड फ्यूल्स एंड सॉलिड फ्यूल्स ऑपटेन बाई दिस प्रोसेस तो इसमें वेजिटेबल ऑयल और एल्कोहल दो हैं और सॉलिड फ्यूल्स में आपका कोल है और काउडंग है और अगर उसमें दिया हुआ है बुक में आपकी इसमें इसने दो ही पूछा है लिक्विड और सॉलिड अगर ये गैशियस भी पूछता तो आप गोबर गैस और कोल गैस लिख सकते थे इसने आपसे लिक्विड पूछा है सॉलिड पूछा है लेकिन चैप्टर में गैशियस भी दिया है तो लिक्विड सॉलिड और गैशियस में आपका गोबर गैस और कोल गैस आ जाता है तो आपको दोनों का आंसर बता दिया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लीट द स्टेजेज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी ये आपको बॉक्सेज जो है ये स्टेजेस जो हैं फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज थर्ड फोर्थ स्टेज जो ये आपको फिल करनी है तो ये आपको इमेज है फाइव पॉइंट वन नाइन पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर दी गई है लेट मी शो यू ये देखिए पेज नंबर फिफ्टी फाइव पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर यह इमेज आपकी देखिए फाइव पॉइंट टू वन इमेज है ये फाइव पॉइंट टू वन वन नाइन नहीं यहाँ पर देखिए यहाँ पर फाइव पॉइंट वन नाइन नहीं फाइव पॉइंट टू वन इमेज नंबर है पेज नंबर फिफ्टी फाइव पर ये देखिए तो इन चारों बॉक्सेस में आपका क्या आएगा पहला आएगा विंड विद रिक्वायर्ड वेलोसिटी फिर आएगा विंड टर्बाइन विद लार्ज फिंस तीसरे में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चौथे में आएगा जनरेटर फोर्थ वाले में यहाँ पर क्या लिखा है स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विद विंड एनर्जी और सेम क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है ये वाला आपको देखना है और ये आ जाइए आपके पेपर पर ये देखिए आपके पेपर में तो ये ये आपकी 5.19 ही है ये 5.21 तो नेक्स्ट पेज पे है ये 5.19 ही है स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी और सेम क्वेश्चन आपके पेपर पे आ जाइए देखिए स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी तो ये आपका पेज नंबर 55 पे आंसर आपको मिल जाएगा चारों बॉक्स आप फिल कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं राइट लिमिटेशन इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी तो पेज नंबर 55 पे ये बॉक्सेस आपने देखे और इसी के ठीक नेक्स्ट पेज पे इसकी लिमिटेशन लिखी हुई हैं तो वो भी देख लेते हैं राइट लिमिटेशंस इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी तो ये देखिए विंड एनर्जी में क्या होता है विंडोसिटी इज यूजली हाई ऑन सी शोर्स एंड दैट एनवायरनमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन हर जगह तो हम विंड टर्बाइन नहीं लगा सकते हैं तो फिर क्या है इसमें विंड वेलोसिटी नेरी फॉर विंडर्जी एनर्जी जनरेशन इज नॉट एवेलेबल एवरीवेयर इन दैट सेंस यूज ऑफ विंड एनर्जी इज लिमिटेड क्योंकि हर जगह पर विंड वेलोसिटी नहीं है इस वजह से ये लिमिटेड है और इसके लिए बड़े बड़े फैंस चाहिए वो टर्बाइन चाहिए लाइक दैट आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग स्केच एंड लेबल द इसेंशियल एंड एक्सेसरी वॉल्स ऑफ ए फ्लावर तो ये आपका पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे चैप्टर थ्री में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में दिया गया मी ओपन द इमेज देखिए ये वाला स्केच एंड लेबल यानी कि आपको एक डायग्राम भी बनाना था और उसमें आपको क्या बनाना था इसेंशियल एंड नेसेसरी वॉल्स ऑफ ए फ्लावर तो इसेंशियल दो होती है एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम और एक्सेसरी होती है कैलिक्स और कोरोला और ये वाली आपकी फ़्लावर की इमेज आपको बनानी थी ये देखिए ये पेज नंबर ट्वेंटी पे है चैप्टर पेज नंबर ट्वेंटी है आपका चैप्टर थ्री तो फ्लावर देखिए इसमें ये देखिए ऐसे एक दो तीन ऐसे इंडिकेट करके पूरे में दिया गया है जाइनोशियम ये क्या है ये इसशियल वर्ल्ड है और दूसरी इसलिए कौन सी है ये वाली आंथर एंड्रोशियम और ये आपका सेकेंड वाला है आपका एक्सेसरी वाला एक्सेसरी में आपकी कोरोला है और कैलिक्स है ये दोनों कोरोला और कैलिक्स और ये आपका यहां पर लिखा हुआ है ये देखिए एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड इसेंशियल होल्स एंड दूसरे वाला देखिए वेयर एस कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड एज एक्सेसरी वोल्स तो ये आपका आंसर भी इसी पेज पर दिया हुआ है इस फ्लावर के ऊपर तो बस यही आपको ये वाला डायग्राम बनाना था आपको इस फ्लावर का और ऐसे इसके पार्ट्स बताने थे नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन ये इसी के नेक्स्ट पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पर दिया हुआ है व्हाट इज पॉलिनेशन तो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर आर ट्रांसफर जो फ्लावर में अभी आंथर देखा आपने उसी से पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आंथर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन अब दूसरा है राइट right टू एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स में टू है पहला है विंड और वाटर ये अबायोटिक है और दूसरा है इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स ये बायोटिक एजेंट्स हैं यानी कि विंड एंड वाटर जो है वो अबायोटिक एजेंट्स हैं और इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स जो हैं वो बायोटिक एजेंट्स हैं किसके पॉलिनेशन के तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन पर भी है आप बुक में देख सकते हैं नेक्स्ट अबॉट विल यू डू तो इसमें आपको अपने अपने मन के आंसर्स लिखने थे ये सोशल हेल्थ वाले चैप्टर में से लिया गया है टेक्स्ट बुक पेज नंबर एट क्वेश्चन सिक्स है ये तो मैंने जो 2020 का पेपर डाला था आप देख सकते हैं कि उसमें भी उसमें से 25 परसेंट से भी ज्यादा पेपर रिपीट हुआ है 2020 का पेपर मैंने सैम्पल पेपर आपको डाला था 2020 का साइंस पार्ट टू का उसमें से 20 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट से भी ज़्यादा पेपर रिपीट हुआ है और ये सेम क्वेश्चंस भी हैं अगर आपने वो पेपर देखा होगा तो आप इजीली गैस कर सकते हो कि सोशल हेल्थ का चैप्टर मैंने कितने अच्छे से और बायोटेक्नोलॉजी का उसमें बताया था आपको कि ये आ सकता है अब देखिए ये अगर आप ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे दे रहे हो तो आपको अपने मन से लिखना था आप क्या करते हो आप देख सकते हो कि अगर ज़्यादा टाइम आप इंटरनेट पे दे रहे हो तो आपको उसमें से अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम निकालना है आपको स्पोर्ट्स में भी टाइम देना चाहिए योगा में मेडिटेशन में लाइक देर चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज़ एडिक्टेड टू आपके पड़ोसी का जो बच्चा है वो उसको तंबाकू खाने की लत लग गई है तो आप क्या करोगे आप उसे समझाओगे आप उसको गाइडिंग ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो गाइडेंस देती हैं और आप उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे तंबाकू खाने से उसको तंबाकू के साइड इफेक्ट्स आप बताओगे जैसे कि इससे कैंसर हो जाता है लाइक like दैट आप योर सिस्टर हैज़ बिकम इन कम्युनिकेटिव आपके सिस्टर किसी से बात नहीं करती है बातचीत नहीं करती है तो आप क्या करोगे तो आप ऐसे में अपने सिस्टर को बताओगे कम्युनिकेशन के फायदे कम्युनिकेशन मतलब बातचीत यानी कि इससे आपका मन हल्का होता है यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड यू कैन डिस यू कैन डिस्कलोज योर हार्ट टू अदर्स एंड इवन यू कैन लिसन द थाट्स ऑफ अदर्स लाइक दैट यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड यूर होम फॉर गुड परपज आपके घर के पास जो ओपन स्पेस है फ्री स्पेस है आप उसे गुड पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो तो वट विल यू 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 कैन मेक ए प्ले ग्राउंड देयर यू कैन मेक ए स्माल कोचिंग क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट देयर यू कैन मेक ए क्लासरूम देयर वेर स्टूडेंट्स ऑफ वेर चिल्ड्रेन ऑफ पुअर पीपल कैन कम एंड एज लर्न समथिंग फ्राम यू एंड लाइक दैट यू कैन रन क्लासेस फॉर पोर चिल्ड्रेन देयर

सो so, आपका पूरा साइंस टू का पेपर कंप्लीट हो गया है इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एम टू किसाई फॉर सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल वीडियोज़ इन फ्यूचर टू थैंक यू वेरी मच